नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली मैं लेके आया हूँ मेज़रमेंट के ऊपर, जो हम लोग एरिया नापते हैं कि टाइल्स जो है किस जगह पे कितनी लगेगी। तो आज ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो, और कहीं पर भी स्किप मत करना क्योंकि मैं जो है वो पूरा आपको मेज़रमेंट एक एक चीज़ के बारे में पूरा क्लियरली आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के जरिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ, मैं हर संडे रात को 9 बजे लाइव पे आता हूँ, तो ज़रूर आप भी लाइव पे आना। और अगर आपका कोई सुझाव हो आप कमेंट कीजिए, और हेलो हाय कुछ भी आप कमेंट कीजिए, ज़रूर लाइव में आइए, आपसे निवेदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे लाइव में ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड पर अभी जो है वो बाथरूम में टाइल्स लगने वाली हैं, और हम लोग इस बाथरूम के टाइल्स जो है वो नापने वाले हैं कि इसमें जो है वो कितनी टाइल्स लगेगी। तो बाथरूम में जो है, इस बाथरूम में एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है, और ऊपर जो छोटे मोटे पॉइंट हैं तो उसका तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन विंडो और दरवाज़ा जो होता है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली दीवार जो होती है, ये जो बड़ी वाली दीवार है, तो इसको हम लोग नापेंगे। तो हमें जो है वो ये जो चौगाट लगी हुई है इसके साथ में इसको मिलाना है, और इसका जो है एक दीवार का आपको नाप ले लेना है। जैसे ये 8 फुट है तो आप देख सकते हैं कि ये 8 फुट इसकी लेंथ है, पर लेकिन टाइल जो होगी हमारी वो 40 तक आएगी, यानी कि 1 इंच टाइल जो है वो पीछे रह जाएगी। तो इसमें जो है वो वेस्टेज होगी 1 इंच की, तो 1 इंच की पट्टी हमें जो है यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो 8 फुट की ये दीवार है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और वैसे ही सेम ये दीवार भी वैसे ही है, अगर बदगुनिया हुआ तो इंची टेप से नापने पर हमें पता चल जाएगा। अभी जैसा कि मैं ये नाप रहा हूँ तो ये तकरीबन आधा इंच छोटा है, ये 8 फुट से आधा इंच छोटा है, लेकिन कटिंग जो है इस पर भी आएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 8 फुट से ये जो 40 आ रहा है यहाँ तक हमारी टाइल आएगी, और ये आधा इंच छोटा है, यानी कि इतनी कटिंग जो है यहाँ पर भी हमें देनी पड़ सकती है। तो ये टाइल्स की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, अगर बाथरूम साल में बना हुआ है तो ये जो टाइल्स होगी ये भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसका जो साइड है अगर आधा इंच से कम है तो वो साइड वाली टाइल ही कवर कर लेगी। तो ये हो गया 8 × 16 फुट ये घेरा हो गया। और बाकी हम बात करते हैं ये जो सामने वाली दीवार है जहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है, तो इसको हमें कैसे नापना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी हाइट हमें जो है वो टाइल्स की कितनी रखनी है। अगर हमें 7 फुट रखनी है तो हम लोग जो है इस दीवार को इस प्रकार से नापेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 40 इंच की दीवार है, यानी कि आप इसको 4 फुट ही नापिए। आपको जो है इस साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा ही नापना पड़ेगा क्योंकि टाइल जो है वो 1-2 पीस ज़्यादा आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाद में जो है अगर डिज़ाइन नहीं मिला तो इसकी दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसको आपने 4 फुट लेना है, अगर 2-3 इंच छोटा हो तो कोई बात नहीं, 4 फुट आपने लेना है। अगर बड़ा साइज हो तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो जो वेस्टेज है उसके लिए भी आपको जो है टाइल्स अलग से मंगवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में ये दीवार जो है, ये पूरी दीवार है, तो इसका मैं नाप ले रहा हूँ, जैसे कि ये 6 फुट है, तो 1 इंच ये भी छोटी है। अभी ये 6 फुट आप देख रहे हैं जैसा कि, तो ये 80 जो आ रहा है यहाँ पर हमारी टाइल आएगी, यानी कि 1 इंच की जो पट्टी यहाँ पे भी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो हमने नापा ये 6 फुट है, ये 8 फुट है, और ये भी 8 फुट है, ये 4 फुट है। अगर हमें 7 फुट के हिसाब से टाइल लगानी है तो इनको हमने जो है जैसे 8 × 16, दो दीवारें 8-8 फुट की, 16 फुट, और ये 6 फुट हो गया और ये 4 फुट हो गया, 6, 4, 10, 10 और 16, 26। इसका जो घेरा होगा यानी कि इसका जो डायामीटर है वो है 26 फुट। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 26 फुट इसका घेरा है। तो अभी जैसे हम कभी कस्टमर में डिज़ाइन लगवाना होता है तो डिज़ाइन के हिसाब से आपने अगर 7 फुट पे रखना है तो इसकी मेज़रमेंट कैसे निकलेगी। जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ 30 सेंटीमीटर पे एक टाइल आ गई, जैसे ये टाइल हमने लगानी है डार्क कलर की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 26 को आपने एक टाइल को मान लीजिए, एक टाइल जो है वो 26 फुट, एक लाइन जो है वो 26 फुट
की होगी, यानी कि अगर यहाँ पे डार्क लग रहा है एक पीस तो 26 फुट का एक लाइन हो गई। अगर मान लीजिए 7 फुट में दो डार्क के पीस लग रहे हैं, यानी कि ये जो जैसे ये 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अगर दो पीस लग रहे हैं तो 26 को आपको दो से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर फ्रेंड्स इस पे तीन पीस लग रहे हैं तो आपको इसको तीन से मल्टीप्लाई करना है, दो से नहीं तीन से करना है। तो जितनी लाइन जितने डिजाइन के बन रहे हैं, जैसे हाईलाइटर के तीन पीस हैं, ठीक है, तो तीन पीस को आपको हाईलाइटर का निकाल लेना है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ जितनी लाइंस डिजाइन की हैं, अगर लाइट पीस हैं लाइट की कितनी लाइंस देनी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें 26 का घेरा जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उतनी टाइल्स हमारी जो है वो एरिया में लगेंगी, तो मंगवानी हमें उसी साइज से पड़ेगी। तो अभी जैसा कि हमारा डिजाइन जो होता है, अभी जैसे मान लीजिए 2 फुट तक हमारा जो है वो डार्क के पीस लगेंगे, तो हमें जो है 26 से दो से 26 को दो से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको थोड़ा बाहर दिखाता हूँ। तो यहाँ साइड पे थोड़ा फेस क्लियर है, अभी मैंने थोड़ा यहाँ पे बना के देखा था तो अभी इस पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर पे एक लाइन हो गई, आगे 60 पे दूसरी और 90 पे तीसरी, ठीक है, ऐसे ही 120 पे चौथी और आगे 150 पे जो है वो हमारी पांचवी लाइन आएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फर्स्ट लाइन जो है हमारी डार्क की हो गई, सेकेंड लाइन जो होगी ये भी डार्क की हो गई, और जो थर्ड लाइन है वो हमारी मान लीजिए हाईलाइटर की हो गई, ठीक है, ये तीन लाइनें हमारी जो हैं वो हाईलाइटर की हो गई। जो बाथरूम के हमने 7 फुट में डिज़ाइन बनाना है तो 2 लाइन डार्क, 3 लाइन हाईलाइटर की, और जो ऊपर लाइन लगेंगी जैसे कि अभी छठा जो पीस हमारा आएगा वो आएगा जैसे वाइट, वाइट का कॉम्बिनेशन है, और सातवां जो है वो हमारा एक और वाइट आएगा। यानी कि अभी इसमें क्या निकला, अभी छोटे से मैं बता देता हूँ। पहला पीस हमारा हुआ डार्क का, यहाँ से नज़दीक से आप देख सकते हैं हमने 7 फुट तक हाइट देनी है। एक टाइल की हाइट जो होती है वो 12-18 होती है, ठीक है, 12-24 भी होती है अगर 12-18 टाइल लग रही है, उसके बारे में बता रहा हूँ, 24 फुट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ जो 24x48 की होती है। तो जैसे एक लाइन हमारी डार्क की है, दूसरी लाइन भी डार्क की है, तीसरी लाइन जो है वो हमारी हाईलाइटर की हो गई जो डिज़ाइन हम लोग डाल रहे हैं, और आगे चौथी लाइन जो है वो भी हमारी हाईलाइटर की होगी, पाँचवीं लाइन भी हमारी हाईलाइटर की होगी, और छठी ऐसे ही सातवीं। तो छठी सातवीं जो है ये जैसे हमने लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन देना है तो यहाँ पे लाइट हो गया, सातवां भी लाइट हो गया। तो अभी क्या है, ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है, नीचे डार्क हमने किस लिए दिए हैं, क्योंकि नीचे जब हम लोग बाथरूम में पानी का यूज़ करते हैं या कपड़े वगैरह धोते हैं या कोई भी हम लोग काम करते हैं तो नीचे डार्क देने का फ़ायदा ये है कि बाथरूम ज़्यादा गंदा नहीं दिखाई देता, तो साफ़ सफाई की ज़्यादा झंझट नहीं रहता। अगर वाइट नीचे होंगी तो साफ़ सफाई बार बार करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हो सके तो सेम आपको इसी प्रकार का डिज़ाइन बनाना है। तो अभी क्या है, 2 हमारे पीस हो गए हाईलाइटर के, ठीक है, अभी 26 को गुना आपको 2 से करना है। तो उसके बाद में हमारे जो है ये 3, 4, 5, 3 फुट से लेकर 5 फुट तक हमारे जो है हाईलाइटर के पीस हैं। तो ये तीन पीस को हमें, तीन लाइन जो है वो 26 को हमें मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो आगे लाइट के पीस आ गए तो ये घेरा हमारा 26 है, तो इसको हमें 2 से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर आएगा 52 फुट, ठीक है, एक लाइन जो है हमारा जो टोटल एरिया आएगा डार्क टाइल का वो आएगा 52 फुट। उसके बाद में हाईलाइटर का पीस जो है वो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा हमारा 78 फुट। तो उसके बाद में 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम जो है ये 52 इंच, यानी कि दोनों जो है ये 52 इंच आएंगे लाइट और डार्क, और जो हाईलाइटर है वो 78 फुट आएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि हाईलाइटर जो है हमें 3 की रेशो देनी पड़ेगी 7 फुट तक अगर हमें बनाना है। तो ये जो विंडो है
ये ध्यान में रखना कि अगर आप चाहते हैं कि टाइल्स जैसे आपको ज़्यादा झंझट ना हो चेंज करवाने का, तो आपको इसकी हाइट देख लेनी है कि ये विंडो कितनी हाइट पे आ रही है। जैसे अभी स्कर्टिंग यहाँ पे लगी हुई है, वैसे तो स्कर्टिंग लगने नहीं वाली जहाँ पे बाथरूम में भी फ्लोर टाइल्स लगवा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हमारी जो है वो 150 जो है ये मतलब यहाँ तक जो टाइल्स है यहाँ तक पूरी आएगी, पूरी लाइन आएगी। उसके बाद में हमारे जितने पीस जो हैं ऊपर तक लगेंगे 7 फुट तक, तो वो हमारे जो हैं वो इसमें से कम हो जाएंगे। पर कम के लिए भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ले आओगे तो कोई बात नहीं। जैसे ये 3 फुट है तो मान लीजिए ये 3 फुट एरिया यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हाइट देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारी टाइल्स जो है अगर 7 फुट तक लगेगी तो उसकी हाइट जो है यहाँ तक ही रहेगी। जैसा हमने अभी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, तो इसकी हाइट जो है वो 210 सेंटीमीटर तक रहेगी, यानी कि 7 फुट। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक 2 फुट में ये जो है विंडो का पीस जो है वो लगेंगे नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप माइनस कर सकते हैं। वैसे अगर मेरी बात माने तो आपको ये डिज़ाइन पहले माइनस नहीं करना, ये कम नहीं करना, आपको टाइल जो है इसमें से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस जैसी 2-3 विंडो हों किसी एरिया में तब आप इसको कम कर सकते हैं, या आपको संभावना है कि आपको टाइल्स फिर से मिल जाएंगी तब आप इसका जो है वो इसको कम कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस करना है तो सेम इसका जो है नाप ऐसे ही लेना है। पहले आपको नीचे से देख लेना है कि इसकी हाइट में कितनी टाइल्स आ रही है, जो एल शेप में टाइल्स कटेगी वो कहाँ तक आ रही है, ये 5वीं टाइल यानी कि ये पूरी लगेगी। तो यहाँ से हमको जो है विंडो नहीं नापनी, हमको नापनी है ऊपर से, इसके ऊपर से, क्योंकि जो हमारी 5वीं टाइल है वो यहाँ तक आ रही है, यानी कि 5वीं एल शेप में कटेगी। अगर डिज़ाइन सेम है तो वो आगे वाला पीस भी कटेगा, वो वेस्ट जाएगा। अगर डिज़ाइन अलग अलग है तो 2 फुट को आपको जो है वो कम करना है इस साइड से, 2x3 यानी कि 6 फुट एरिया कम कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि एरिया कैसे नापना है। तो अगर आपको पूरी फुल हाइट तक लगानी है टाइल, यहाँ पर जो है हम लोग फुल हाइट तक टाइल लगाने वाले हैं, तो इसकी मेजरमेंट जो है वो पूरा हम लोग हाइट तक ही लेंगे। जैसे इसका 26 घेरा है तो सेम वैसे 26 को अभी रहने देंगे। तो अभी ऊपर से लेके यहाँ दोस्तों अभी 10 फुट आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं 10 से ये है 11.5 फुट एरिया। तो इसकी हाइट जो है वो 11.5 फुट है। तो जैसे मैंने बताया कि हाईलाइटर के पीस कितने लगेंगे, तो आप वैसे ही 11 फुट तक आप जैसे ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 हो गया, ठीक है 11.5। आगे पट्टी आएगी छोटी सी, वो कोई भी आप मैचिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही आप जैसे ये डार्क के 3 ऐसे जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद में जितना घेरा है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है सेम डिज़ाइन को। बाकी जो है 26 में प्लस एरिया जो होगा वो ये वाला है जो आप दरवाजे के ऊपर वाला देख सकते हैं। तो दरवाजे के ऊपर वाला एरिया भी अभी आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो ये है 3.5 फुट, ये 3.5 फुट है, और दरवाजे की चौड़ाई जो है वो है 32 इंच। मान लीजिए 2.5x3.5 एरिया जो है 2.5 को 3.5 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, उतना एरिया आपको एक्स्ट्रा लेके आना है, ज़्यादा लेके आना है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये तो हुआ दीवार वाला एरिया। तो अब हम लोग नापेंगे फ्लोर वाला एरिया कि फ्लोर टाइल्स हम लोग कैसे नापते हैं। तो फ्लोर टाइल्स के हमें टाइल्स मंगवानी है, तो उसके लिए जो है एक फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई को ही आपको फॉलो करना है। तो पहले हम लोग नापेंगे इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई इसकी लेंथ कितनी है। तो हम लोग जो है वो शुरुआत ये जो दरवाजा है ये जो कट आपको दिख रहा है तो यहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा बंद हो जाएगा तो बाथरूम का एरिया जो है इसके अंदर ही है। इसके बाहर टाइल निकलेगी तो वो भूरी दिखेगी, जो बाथरूम की टाइल्स है अगर अलग डिजाइन है। तो इसको हम लोग जो है वो चौगाट के हिसाब से बराबर यहाँ पे लगाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे तो मार्बल लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे टाइल्स लगाई हो तो उसके लिए हमें कैसे मापना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ हम लोग नाप रहे हैं, तो ये है 8 फुट 1 इंच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 8 फुट, यहाँ पे जो है ये पौना इंच थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन टाइल जो है वो 40 सेंटीमीटर तक आएगी 8 फुट से 1 इंच नीचे, यानी कि वहां पे जो है वो छोटा सा पीस पड़ेगा पूरी तरह, छोटा सा पीस पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है 8 फुट से 1 फुट आपको एक्स्ट्रा, 1-2 फुट आपको एक्स्ट्रा लेके आएंगे टाइल। और ये हुई हमारी जो है लंबाई 8 फुट, और हम लोग टेन चढ़ाई मानेंगे। तो यहां से जैसे मैंने तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग लगी है, इसीलिए इसका जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन ये अभी जैसे ये 6 फुट से 1.25 इंच कम आ रहा है, तो हमारी जो टाइल्स होगी वो 80 पे आएगी, 6 फुट से तकरीबन 1 इंच कम। तो जैसा कि ये 6 फुट है तो आपको जो है लंबाई गुना चढ़ाई, यानी कि लंबाई इसकी है 8 फुट, चौड़ाई इसकी है 6 फुट, तो 8 को गुना आपको 6 से करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे 6 लिखा है, लंबाई 8 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है, तो 8 6 48 फुट एरिया जो है वो टाइल्स लगेगी यहाँ पे फ्लोर के लिए। लेकिन वहां पे जो कटिंग पीस पड़ रहा है तो उसके लिए जो है हमें 1-2 फुट एरिया जो है वो एक्स्ट्रा लेके आना है। अगर साइड पे भी कटिंग आ रही हो 1.5 इंच तो उसके लिए भी हमें 1-2 पीस एक्स्ट्रा लेके आने हैं। जैसे 48 फुट बन रहा है तो आप 50 फुट भी मंगवा सकते हैं, 52 फुट भी मंगवा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग फ्लोर टाइल्स का एरिया नापते हैं। अगर थोड़ा बहुत बदबून हो जैसे तो उसको जो है वो आपको अगर 1-2 इंच बदबूनियाँ हो तो उसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बदबूनियाँ ज़्यादा खुल रहा है वहीं से आपको मेजरमेंट करनी है। जैसे कि मान लीजिए ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है तो आपको नापना वो वाला एरिया है रनिंग में। जैसे अभी तो ये बिल्कुल चौड़ा सा बाथरूम 8 फुट ही है इसकी जो लेंथ है, तो अगर बाई से भी ये कोना थोड़ा सा बड़ा होता 8 फुट 4 इंच होता तो 8 फुट 4 इंच से ही आपको मल्टीप्लाई करना था 6 फुट से। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ये टाइल्स नापनी है। तो इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं संडे लाइव में आता हूं तो संडे को लाइव में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो के लिए तो संडे आप लाइव में बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।